चौथा भाग देखने के लिए आए हैं। चौथे भाग में क्या होता है? चौथे भाग को जाने से पहले पहले और दूसरे भाग में क्या हुआ था, थोड़े संक्षिप्त रूप में हम आज हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह इसको आप सभी अपने होमवर्क बुक में लिख लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए बच्चों। अब हम पहले और दूसरे वीडियो में क्या हुआ था इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस स्वामी विवेकानंद जी का पाठ क्या है, यह एक जीवनी है। इस जीवनी को लिखने वाले कौन है, जगदीश चंद्र जी है। यहाँ इन्होंने महान व्यक्तियों की जीवनियों को लिखा है। यह क्यों लिखा है यह जीवनियों को, क्योंकि आप भी उनमें से कोई एक को अपना आदर्श मान के चले, इसलिए उन्होंने भी यह एक जीवनी लिखी है। और यह जीवनी लिखने के बाद किस तरह से उन्होंने अपनी जीवनी स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी लिखी है देखेंगे। यहाँ स्वामी विवेकानंद किसका कहना है, किसकी जीवनी है, स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी है। उनका जन्म कब हुआ, 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ। कहाँ पे हुआ, कोलकाता में हुआ। कोलकाता के कायस्थ घराना, इनका घराना क्या था, कायस्थ घराना था। और इनके पिता का नाम क्या था, विश्वनाथ दत्ता, एक प्रसिद्ध वकील थे। माता का नाम क्या था, श्री भुवनेश्वरी देवी। भुवनेश्वरी देवी क्या थी, एक धर्म परायण महिला थी, और धर्म के बारे में यह जानने वाली महिला थी। हमेशा पूजा पाठ करने में ध्यान रखने वाली यह महिला थी। और स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम था नरेंद्र देव। इनका बचपन का नाम, बचपन में आपको ही कोई दूसरा नाम रख दिया जाता है, दो नाम रहते हैं ना आपके भी, उसी तरह से यहाँ स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र देव था। और इनको किन किन में रुचि थी, क्या क्या करने में इंटरेस्टेड था, किस तरह से वह पढ़ाई लिखाई में तेज थे ही, तेज का मतलब होशियार थे ही, और उसके साथ साथ वह किस में रुचि रखते थे, कुश्ती लड़ने में, दौड़ लगाने में, घुड़सवारी करने में, तैरने में और संगीत में रुचि रखते थे। यहाँ सभी में यहाँ रुचि रखते थे, केवल वह पढ़ाई के साथ साथ उनके खेल कूद के भी प्रतियोगिताओं में भाग लिया करते थे। कान स्वामी उनके शरीर किस तरह का सुंदर और सडोल था, आकर्षित था, कहकर यहाँ लेखक मुझे बता रहे हैं। और उसके बाद यहाँ इनके इनके अध्ययन, इन्होंने अध्ययन कहाँ तक किया था, यहाँ बीए परीक्षा की परीक्षा पास करने के बाद कानून का अध्ययन प्रारंभ किया था इन्होंने। जब बीए पास करने के बाद इन्होंने किसकी अध्ययन पास किया था, कानून का अध्ययन पास करना किया था। बीए की परीक्षा पास करने के बाद कानून का अध्ययन प्रारंभ किया था। स्वामी विवेकानंद जी ने बीए की परीक्षा पास करने के बाद वहाँ कानून का अध्ययन भी शुरू कर दिया था, प्रारंभ कर दिया था। और उसी दौरान उनके पिताजी का देहांत हो गया। यहाँ कानून का अध्ययन शुरू करते ही उन्होंने क्या करना शुरू किया, व्याख्यान देना शुरू कर दिया। और वही कॉलेज में उन्होंने क्या करा, एक व्याख्यान समिति भी बना डाली। कौन, स्वामी विवेकानंद जी ने व्याख्यान समिति बना डाली। और वहाँ क्या कर रहे थे, एक जगह से दूसरे देश के आचार विचार धर्म को सीखना जानना, यह भ्रमण करते चले गए, भ्रमण करते जा रहे थे। और उसी तरह भारत के बारे में क्या बताते चले गए, हमारा देश क्या है, दूसरे अन्य जातियों से भरा पड़ा हुआ है। सभी जो पिछड़े देशों से निकाल दिए गए हैं वहाँ भी आके हमारे देश की शरण में रह रहे हैं, कहकर उन्होंने यह व्याख्यान देना शुरू कर दिया। यह दार्शनिक मतलब दूसरे देश पर वहाँ जाने लग गए। अब हम इनके गुरु जिस तरह से इन्हें ब्राह्मण करते करते चले गए, वहाँ इनकी मुलाकात किसे हुई, इनके गुरु हुए रामकृष्ण परमहंस जी थे। इनके इनकी मुलाकात
बात रामकृष्ण परमहंस जी के साथ हो गई। और यहाँ उनके साथ बात करते ही उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को अपना शिष्य मान लिया। और वह पूछते हमेशा पूछते थे भगवान को आपने देखा है, यह हमेशा रामकृष्ण परमहंस जी को पूछते थे। वह रामकृष्ण परमहंस जी क्या कहते थे, जो तू मेरे सामने आया है तू ही एक भगवान का रूप है कहकर बताते थे। जब एक अचानक एक बार उनका पैर किसको लग गया, इस रामकृष्ण परमहंस जी का पैर स्वामी विवेकानंद के पैर को लगने पर ही उनको पूरा ब्राह्मण उनको नजर आ गया, एक झलक दिखाई पड़ा। इस उसी तरह से उन्होंने तुरंत उनको क्या मान लिया, अपना गुरु मान लिया। और उनकी व्याख्यान उनको उनके जो परमहंस का जो संदेश था वो पूरे देश में विदेशों में भी यहाँ प्रसार करना चाहा। और वह उसी तरह से छोटे बच्चों को क्लास भी लिया करते थे। उन्होंने एक बार कहाँ गए थे, 1893 में अमेरिका के शिकागो नगर में क्यों गए थे, सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लिया था स्वामी विवेकानंद जी। 1893 में अमेरिका के शिकागो नगर में सर्वधर्म, शिकागो में क्या था, सर्वधर्म सम्मेलन था, उसमें भाग लिया था। किसने, स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था। और वहाँ केवल अमेरिका ही नहीं, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, यहाँ सभी जगह वहाँ चलते गए। हमने पहले पिछली वीडियो मैंने डाल दी किस तरह से स्वामी विवेकानंद ने सर्वधर्म सम्मेलन में सबको बताया। और वह भाषण कितना गंभीर था और वह कितने मुग्ध होकर उन गंभीर भाषण को सुन रहे थे। आज का भाषण स्वामी विवेकानंद जी का भाषण सुन रहे थे। और उसी तरह से इन्होंने केवल अमेरिका ही नहीं, स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड को भी गए थे। और वहाँ जाने के बाद इनके बहुत सारे अनुयायी बने थे। यहाँ उनमें उन सभी अनुयायी में से यहाँ किसका नाम है, मार्गरेट एलिजाबेथ कहकर इनका नाम उल्लेखनीय किया गया, मतलब यहाँ उनका नाम दिया गया है। उनका नाम क्या था, यहाँ विदेशी अनुयायी है मार्गरेट एलिजाबेथ कहकर उनका नाम था। स्वामी विवेकानंद जी ने उस नाम को क्या कहकर बदल दिया, सिस्टर निवेदिता कहकर नया नाम दिया। वह कौन सा था, सिस्टर निवेदिता कहकर यहाँ नाम दिया गया। और उसी तरह से इन्होंने क्या कहते थे, सेवा क्या है, सेवा किसे कहते हैं, सेवा क्यों करने चाहिए, सेवा क्या है, यह सेवा ये है कि जो दीन दलितों की सेवा करता है वही कौन क्या है, परमात्मा की सेवा करने जैसा है कहकर यह व्याख्यान में बतलाने वाले कौन थे, स्वामी विवेकानंद जी थे। केवल ये बतलाते ही नहीं थे, वहाँ बतलाते ही नहीं थे, क्या करते थे, खुद वह स्वयं वह कार्य भी करते थे। किया है इन्होंने 1897 में अकाल और प्लेग से पीड़ितों की, अकाल और किससे पीड़ित, प्लेग से पीड़ितों की सेवा की थी। किसने, स्वामी विवेकानंद। अकाल, अकाल मतलब बरगल, बारिश ना हो हुई होती, बारिश ना होने के कारण क्या होते, फसल नहीं उगती है। जब यह क्या है, जो किसानों में किसानों के लिए खाने पीने का खाना पीना नहीं होता है, उस तरह की मजबूरी में उन्होंने क्या किया, अकालों की पीड़ितों की मदद की। और प्लेग से, जो बीमारी से बहुत सारे मर रहे थे उनको भी इन्होंने सुधारा, उनकी सभी की सेवा की, उनको मदद करने के द्वारा इन्होंने सेवा की। और इसीलिए उन्होंने क्या स्थापना की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना उन्होंने की। किसने, यहाँ अकाल मतलब जो जिसको भी जरूरत है उनको कुछ ना कुछ देने के लिए इन्होंने क्या किया, एक रामकृष्ण मिशन कहकर एक संस्था स्थापना की थी। यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में देखा था। आज हम दूसरे मतलब चौथे भाग की ओर चलेंगे। चौथे भाग को जाने से पहले अब हम पाठ का वाचन करेंगे। वाचन करती हूँ, आप सभी अपनी टेक्स्ट बुक निकाल के देख लीजिए।
स्वामी जी ने अज्ञान, अशिक्षा, विदेशी अनुकरण, दास्य मनोभाव आदि के बुरे प्रभावों का बोध कराया। उन्होंने अपने भाषण द्वारा जनता के मन में मन से हीनता की भावना को दूर भगाने का प्रामाणिक प्रयत्न किया। अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था, प्यारे देशवासियों, वीर बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ, अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, ऊंच जाति का भारतीय, नीच जाति का भारतीय, सब मेरे भाई हैं, उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है, उनका गौरव मेरा गौरव है। 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद जी परलोक सिधारे, लेकिन आज भी उनके कार्य और संदेश अमर है। ये सब मैं यहाँ कहते हैं कि क्या कहकर ललकार रहे हैं हमारे देशवासियों को, या सभी कौन है हमारे भारत देश के भाई है आप सभी। क्या कहते हैं स्वामी ने, अज्ञान, अज्ञान, अशिक्षा, अशिक्षा, विदेशी अनुकरण, दास्य मनोभाव आदि बुरे प्रभावों का बोध कराया। जैसे कि अज्ञान, जो अज्ञान है, अज्ञान से आप पीड़ित है, जो अंधविश्वास से आप रहे हैं, यहाँ छोड़िए अंधविश्वास को। और अशिक्षा, जो शिक्षा नहीं है, जो अनपढ़ भारतीय है उनको हटाना है। और विदेशी अनुकरण, जैसे कि पहनना, ओढ़ना, खाना, उनका वो जो जिस तरह है उसी तरह से रहना, यह सभी छोड़िए। हमारा धर्म है, हमारी हम अलग है उनसे, हमारा धर्म हमें ही पालना चाहिए कहकर यहाँ बतलाने वाले हमारे महान व्यक्ति कौन है, स्वामी विवेकानंद जी थे। बोध कराया उन्होंने अपने भाषण द्वारा जनता के मन में हीनता की भावना को दूर भगाने की प्रामाणिक प्रयत्न किया। इन्होंने क्या क्या किया, अपने अध्ययन, अपने व्याख्यान द्वारा, जिस तरह से मैंने पहले बताया, जबकि अपने व्याख्यान में उठो युवाजनों, उठो, तब तक ना रुको जब तक आपकी मंजिल न पहुंच ना पाए, जब तक नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक आपकी मंजिल को ना पाए, उठो और इसका काम करो कहकर यहाँ बताने वाले, बतलाने वाले, आप सभी में ललकारने वाले, अपने भी आत्मविश्वास भरने वाले, जो अपने आप को कमजोर समझता है वही क्या है, कायर है। अपने आप को कमजोर समझना ही नहीं चाहिए, सभी में कुछ ना कुछ धैर्य रहता, सभी वीर है, कोई कायर नहीं है, वही सबसे ना समझ व्यक्ति है कहकर यह अपने व्याख्यान द्वारा सभी में देशभक्ति, देश प्रेम को जगाने में और ललकारने में इन्होंने प्रयास किया है। और प्यारे भारतवासी, एक भाषण में उन्होंने कहा था, एक भाषण में जिस तरह उन्होंने क्या कहा है देखिए, प्यारे देशवासियों, वीर बनो और ललकार कर कहो मैं भारतीय हूँ। वह कहते हैं अपनी आवाज से, अपनी गंभीर आवाज से यह बतलाते हैं कि प्यारे देशवासियों, वीर बनो और ललकार कर कहो, निवेला वीर राजी ना धैर्यदिंद हेळि, ನಿಮ್ಮ ತರಹನ ನೀವು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಏನಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೈ ಭಾರತೀಯ, ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಅಂತಂದೇಳಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಿ ಅಂತಂದೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿರ್ಧಯ ಭಾರತೀಯ, ನಾನು ನಿರ್ಧಯ, ನನ್ನ ಕೈ ಆಗಲ್ಲ, ಮೈ ನಿರ್ಧಯ ಭಾರತೀಯ, ಅನ್ಪಢ್ ಭಾರತೀಯ, ಔರ್ ಉಚ್ಚ ಜಾತಿ ಕಾ ಭಾರತೀಯ, ಮೈ ಕ್ಯಾ ಹೂ, ನಿರ್ಧಯ ಭಾರತೀಯ, ಉಚ್ಚ ಜಾತಿ ಕಾ ಭಾರತೀಯ, ನೀಚ ಜಾತಿ ಕಾ ಭಾರತೀಯ, ಮಗರ್ ಮೈ ಕ್ಯಾ ಹೂ, ಮೈ ಭಾರತೀಯ ಹೂ, ಮೈ भारतीय हूँ कहकर बताने बतलाओ सब मेरे भाई। यहाँ सभी क्या है, निर्धय भारतीय है, अनपढ़ भारतीय, उच्च जाति का भारतीय, नीच जाति का भाई, यह सभी जो है वह सभी मेरे भाई है कहकर यह ललकार कर बतलाने वाले स्वामी विवेकानंद थी, विवेकानंद जी थे। उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा, उनकी प्रतिष्ठा क्या है, जो उनकी प्रतिष्ठा, यह सभी जो भारतीय है हमारे देश में, वह क्या है, उनकी प्रतिष्ठा ही मेरी प्रतिष्ठा है,
और उनका गौरव मेरा गौरव। जो आपको कोई हानि पहुंचाता है, जो अन्य देश के लोग हानि पहुंचाते हैं, तो आपका गौरव नीचा गिरा तो मेरा भी गौरव, मेरा धर्म भी नीचा हो जाता है। मैं भी आप सबके साथ हूँ कहकर ललकार कर बतलाने वाले, यह सभी कौन है, हम सभी भाई भाई जैसे रहना है कहकर ललकार कर सबको बतलाने वाले कौन थे, स्वामी विवेकानंद जी थे। और यह इन महान धीमान व्यक्ति का देहांत हो गया 4 जुलाई 1907 को। स्वामी विवेकानंद जी यह पर परलोक सिधार गए, परलोक सिधारे आज भी उनके कार्य और संदेश संसार में। अभी तक यह युवा पीढ़ी की यह क्या है, एक शक्ति है जो उन्होंने कहा है, उठो जब तक ना, तब तक ना रखो जब तक आपकी मंजिल ना पहुंचे। यह युवा पीढ़ी में यह क्या है, एक उत्तेजना प्रेरित रूप में यह देने वाले व्याख्यान इन्होंने लिखे हैं, बहुत सारे अपने भाषणों में कहा है। यह उनका तेज जो आंख है, जो आकर्षित है, वह व्यक्ति उनका शरीर है, उसको देख के सभी प्रेरित हो जाने जैसा है। वह यह धीमान व्यक्ति का देहांत 4 जुलाई 1902 को इनका देहांत हो गया। यह हमसे दूर हो गए, फिर भी हमारे दिलों में उनके प्रेरणात्मक वाक्यों में अभी तक जिंदा है यहाँ स्वामी विवेकानंद जी। आज हमने यहाँ इस पाठ के द्वारा हमने जाना कि स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी क्या थी, और उन्होंने किसे मिला, किस तरह से मिला, किस तरह ब्राह्मण किया उन्होंने, वह उनके पिता का नाम क्या था, उनकी माता का नाम क्या था, और उसके साथ साथ वह किन किन में रुचियां रखते थे, और उन्होंने किस तरह से ब्राह्मण किया, और वहाँ क्या क्या स्थापना किया, सर्वधर्म सम्मेलन में किस तरह से उन्होंने भाषण दिया, और वह उसके साथ उनकी एक विदेशी अनुयायी थी, उनका नाम क्या था, सिस्टर निवेदिता था, मतलब उनका नाम मार्गरेट एलिजाबेथ था, उसको बदल कर उन्होंने क्या रख दिया, सिस्टर निवेदिता के नाम से वहाँ सभी जगह पहचानी जाती है। इस उसी तरह से उन्होंने केवल नहीं कहते थे कि कीजिए कहकर खुद अपनी सेवा भी करते थे। सेवा का मतलब क्या है, वहाँ परमात्मा की सेवा करने जैसा है, ना कि जाके मंदिर मस्जिद में जाके रहना है। जो अकाल से जो निर्धयी है उनको मदद कीजिए, जो समर्थ है असमर्थ को मदद करना, यही वह धर्म है। धर्म कुछ नहीं है जाके भगवान को देखना, वह पूजा करना, पाठ करना, यही धर्म नहीं है। उसके साथ साथ जो जिसके पास नहीं होता है उसका देना ही क्या है, धर्म है। आप परमात्मा की सेवा करने जैसा है कहकर उन्होंने केवल उन्होंने बताया या नहीं किया है। 1897 में अकाल आउटब्रेक से पीड़ितों की सेवा की थी उन्होंने, और उसी तरह से इनकी सेवा पीड़ित हमेशा रहे कहकर वह चले गए। फिर भी यहाँ रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना करके उन्होंने रामकृष्ण मिशन की संस्था की स्थापना करके वह परलोक सिधार गए, और उनका देहांत कब हुआ, 4 जुलाई 1902 को इनका देहांत हुआ। यहाँ तक आज हमने स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी के बारे में जाना है, वह किसने लिखा था, जगदीश चंद्र जी ने लिखा था। आज के लिए आज इस पाठ समाप्त होता है।